सक्सेसफुल यूट्यूबर से बहुत सीख लिया, अब सीखो मुझसे। चलो 15 यूट्यूब चैनल्स, 10 से ज्यादा फेसबुक पेजेस और 8 इंस्टाग्राम पेजेस। मैंने जो सीखा पिछले 5 साल में, आप सीखो यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक मनी विद YS। तो पिछली वीडियो में हमने चैनल बनाया था अपने मोबाइल से, आज हम बात करने वाले हैं कि उस मोबाइल के चैनल में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपकी चैनल शुरू करते ही हो जानी चाहिए, वो क्या क्या है। आज मैं आपको जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ये सेटिंग्स नहीं की है देन डेफिनेटली आपके चैनल पर बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनका पता ही नहीं होता और वो ये सेटिंग्स नहीं करते, जिनकी वजह से उनके चैनल की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सेटिंग्स को करो ताकि आपका चैनल जो है वो अच्छे से ग्रो करे और बहुत बड़े लेवल पे जाए। एक जो ओवरव्यू होता है एक YouTube स्टूडियो टूर है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके चैनल को सेटअप करने से रिलेटेड, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप और भी चेकआउट कर सकते हो। सो हम सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ। क्रोम ब्राउजर में हम टाइप करेंगे youtube.com ही टाइप करना, इसके अलावा कुछ नहीं टाइप करना। ये नहीं टाइप करोगे तो डायरेक्ट आप उस पर चले जाओगे अपने यूट्यूब ऐप पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 3 बटन्स पे, नीचे जाएंगे डेस्कटॉप वेबसाइट, अभी आपका डेस्कटॉप पे खुल गया है। आप इसको लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हो, ऐसे अपने फ़ोन को टिल्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। यहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हो, बट मेरे को सीधे में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता मेरा, तो मैं सीधा करके इसको यूज़ करूँगा। आप इसको देखने के लिए जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जितना आपको चाहिए। तो हम जाएंगे सीधा अपने जूम करके मैं दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आपका यूट्यूब स्टूडियो, ये YouTube स्टूडियो आपका आ गया है। सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना, इसको फिर से जूम आउट करना है तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे हम। नीचे आप चलोगे तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, डेरा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सबसे पहला आता है जर्नल। जर्नल में आप अपनी करेंसी सिलेक्ट करोगे, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है इंडियन रूपी। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप अपनी जो भी करेंसी है उसके हिसाब से सिलेक्ट करोगे। चैनल पर जाएंगे, चैनल पे आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखोगे जो कि इंडिया है मेरी। एंड यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स डालोगे जो आपके चैनल से रिलेटेड होंगे, मतलब आपका जिस चैनल जो कीवर्ड है, जिस टॉपिक पे आपका चैनल बना हुआ है वो कीवर्ड डालो, 5, 10, 20 जितने डाल सकते हो, अच्छे अच्छे क्वालिटी कीवर्ड्स सर्च करके डालना। कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे चलेंगे हम एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में आपको करना है 2 ऑप्शन को सिलेक्ट। अगर आपकी वीडियो किड्स के लिए है तो उसको कर देना येस, सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स। अगर लेकिन अगर आपकी वीडियो किड्स के लिए नहीं है देन आपको नो पे क्लिक कर देना है। और अगर आप हर वीडियो को पर्सनली रिव्यू करना चाहते हो कि भाई मैं खुद देखूंगा कौन सी वीडियो किड्स के लिए कौन सी नहीं है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, नो आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। ये आप कर सकते हो, मैं नो पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ किड्स के लिए नहीं है, मेरी कोई भी वीडियो किड्स के लिए नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप नीचे चलोगे, ऑटोमेटिक कैप्शन डोंट शो पोटेंशियल इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, का मतलब है कि YouTube अपने आप से छाटेगा कि कौन सा वर्ड अच्छा है कौन सा नहीं, फिर वो नहीं शो करेगा। यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट है, अब अगर आप सब्सक्राइबर दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं तो इसको क्लिक करना है, और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको अनचेक कर देना। मैं अनचेक रखूँगा क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, तो मैं अनचेक रखूँगा। लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कम सब्सक्राइबर देख के भरोसा नहीं होता चैनल पे, तो ये बहुत ज़रूरी आप याद रखो कि सब्सक्राइबर ना भी दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे फीचर एलिजिबिलिटी में जाएंगे हम। यहाँ पे आपकी अपलोड, आप अपलोड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन अभी आप क्या नहीं कर सकते, ये जो एलिजिबल का साइन है ना, जब तक यहाँ पे इनेबल्ड नहीं आएगा तब तक आप ये चारों चीज़ें नहीं कर सकते। आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं डाल सकते हो, आप थंबनेल नहीं लगा सकते हो खुद से, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो, और कोई भी कंटेंट आईडी अगर क्लेम आता है तो उसको अपील नहीं कर सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई फ़ोन नंबर पे। जैसे ही आप वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करोगे, वेरीफाई फ़ोन नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुलेगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, टेक्स्ट मी विद द वेरिफिकेशन कोड, कॉल मी एंड ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज। तो मैं टेक्स्ट मी पे करता हूँ, कंट्री सेलेक्ट करो, अपना फोन नंबर डालो। फोन नंबर डालते ही गेट कोड पे क्लिक करना है। गेट कोड पे आप क्लिक करोगे देन आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा,
उसमें आपको उस कोड को डालना है, डालने के बाद ओके कर देना है, बस। फिर आपको अपना ये पीछे चलना है, वापस अपने उसी पे आ जाना है, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा तो ये जो है ना, ये वेरीफाई फ़ोन नंबर ये यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर हम आते हैं अगले अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे। एक बात याद रखना, सेव बटन बिल्कुल लास्ट में दबाना है जब सारी चीज़ें हो जाएं। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में हमें क्या करना है, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का मतलब होता है जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करो तो उस पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाए, ये होता है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का मतलब। मतलब आपको कुछ जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइटल आप यहाँ पे डालोगे, फॉर एग्जांपल मेक मनी में डालता हूँ, एंड मेरे को डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइनें चाहिए जो मेरे को हर वीडियो में डालनी है, जैसे दिस इज द चैनल फॉर मनी, ये मेरे को हर उसमें चाहिए, ओके ये हो गया, ओके। एंड मेरे को विजिबिलिटी प्राइवेट लिखनी है, प्राइवेट, ठीक है। एंड मैं टैग्स डाल देता हूँ जो मेरे को हर वीडियो में चाहिए, मनी, अच्छा मेक मनी ऑनलाइन, ये मेरे को हर वीडियो में चाहिए, तीन टैग्स, ये हो गया। ये जब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो हर वीडियो में बिना हमारे लिखे ये तीनों चीज़ें आएंगी, ये तीन टैग्स आएंगे, डिस्क्रिप्शन में ये लाइन आएगी और टाइटल में ये वर्ड आएगा। ऐसे ही एडवांस सेटिंग में जब हम जाएंगे, तो एडवांस सेटिंग्स में हमें क्या करना होता है, एडवांस सेटिंग्स में हमें वीडियो की लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपको छेड़ना नहीं है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो बहुत ज़रूरी है अपने चैनल की। जैसे कि मेरे चैनल की कैटेगरी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग नहीं है, पीपल नहीं है, तो एजुकेशन में डाल दूंगा यहाँ पे, और वीडियो लैंग्वेज में डाल दूंगा, मेरी हिंदी रहेगी तो मैं वीडियो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करूँगा हिंदी, ये हो गया हिंदी, ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज मेरी इंग्लिश में रहेगी तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ABC इंग्लिश इंडिया, ओके ये हो गया है। अब ये सब कुछ कर दिया है मैंने, नीचे परमिशन कम्युनिटी एग्रीमेंट, ये अभी आपके काम के नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है इनकी इतनी जानने की, तो यहाँ से हम सेव कर देंगे इसको। तो ये हो गई हमारी बेसिक सेटिंग्स सेव। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, हमारा चैनल दिखना कैसा चाहिए, तो दिखना भी तो ज़रूरी अच्छा है चैनल का, तो यहाँ से हम तीन डॉट्स पे इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है लेआउट का। इसमें दो चीज़ें, पहला वीडियो स्पॉटलाइट, दूसरा फीचर्ड सेक्शन। फीचर्ड सेक्शन में आपकी सारी वीडियोस दिखेंगी, अगर आप कोई शॉर्ट डालोगे तो वो सबसे ऊपर दिखेंगी, जितनी भी अपलोड्स होंगी उसके नीचे दिखेंगी, पॉपुलर अपलोड जो होंगी वो उसके नीचे दिखेंगी, और जितनी भी लाइव होंगी वो उसके नीचे दिखेंगी। आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे सिंगल प्लेलिस्ट, जो कि मेरी प्लेलिस्ट बनी नहीं है तो मैं सिलेक्ट कहाँ से करूँगा, तो जैसे कि सब्सक्रिप्शंस, जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, इनको आप हटा भी सकते हो तीन डॉट पे क्लिक करके, रिमूव, ठीक है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। चैनल ट्रेलर में वो वीडियो आती है जब कोई भी बंदा आपके चैनल पे पहली बार आता है, उसको सबसे पहले जो वीडियो दिखेगी वो चैनल ट्रेलर होगा। चैनल ट्रेलर एक अच्छा सा बनाओ, एक मिनट का, दो मिनट का, अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं एक अच्छा चैनल ट्रेलर, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो चैनल ट्रेलर अच्छा सा कैसे बनाया जाता है। दूसरी जो आती है फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है आपके चैनल को, वो जब दोबारा आपके चैनल पे आएंगे तो उनको कौन सी वीडियो दिखेगी सबसे पहले, वो आपको यहाँ से डालनी है। अभी हमारे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी जो वीडियोस हैं चैनल की वो शो होंगी, बट अभी तक कोई डाली नहीं है तो हम कोई भी ऐड नहीं कर सकते, तो पहले आपको अपलोड करनी पड़ेगी इसके लिए। तो इसके बाद हम आते हैं ब्रांडिंग पे, तो ब्रांडिंग पे यहाँ पे आपके प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आपकी बैनर इमेज, यहाँ पे आपको वीडियो वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क होता है जो आपकी पूरी वीडियो पे दिखेगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो लोगो होता है, ब्रांडिंग लोगो होता है, वही डलता है। बैनर इमेज में आपको डिज़ाइन करना होता है, उसका एक रिजोल्यूशन होता है, इसका जो एटलीस्ट पिक्सल होना चाहिए वो होना चाहिए 2048x1152 पिक्सल्स, और 6 MB से लेस होनी चाहिए, तो यहाँ से आप अपलोड करोगे। कैसे बनाते हैं बैनर इमेज यूट्यूब चैनल के लिए इजीली और अच्छी तरीके से, उसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। अगली जो हमारी मेन सेटिंग है वो है बेसिक इन्फो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप चैनल का नाम, आप इस पेंसिल पर क्लिक करके चैनल का नाम बदल सकते हो, चैनल का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये डाला हुआ चैनल का डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो, आप फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हो, 5 लिंक ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है, जो भी ईमेल आप चाहते हो कि लोग जब आपको कॉन्टैक्ट करें
किसी भी चीज़ के लिए, तो जो उनको ईमेल दिखे वो ये होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी ईमेल डाली हुई है, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हो। जब ये सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ होने के बाद ब्रांडिंग में चलेंगे हम, बेसिक इन्फो, ठीक है, हमें ये नहीं करना, हमें ये सब कुछ नहीं करना, चेंजमेंट नहीं करना। जब आप सारा कुछ चेंजमेंट हो जाएगा, सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ विद मी एंड अदर्स, मैंने लिख दिया, तो ये मैंने चेंज किया है। तो अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा और पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। ये हमारा चैनल जो है वो पब्लिश हो चुका है, जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी आ चुकी है। अगर आपको देखना है कि आपके चैनल पे क्या क्या सेटिंग्स आई हैं, तो व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका चैनल शो होगा। देखो ये आपका चैनल आ गया है, वीडियो कोई नहीं है, प्लेलिस्ट कोई नहीं बनी हुई है अभी तक, चैनल के बारे में कुछ नहीं है। अबाउट में आएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने जो जो डाली थी, यहाँ पे मेरी कंट्री का नाम, ये मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया, ये मैंने कब ज्वाइन किया था, और ये मेरे लिंक है यूट्यूब चैनल का। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है चैनल को करना। सो ये थी आज की वीडियो, होप वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया होगा कि ये सेटिंग्स कैसे करते हैं और क्या करनी जरूरी है। अभी आपके कर लो, बहुत जरूरी है। अगर आपका चैनल ग्रो कराना चाहते हो तो ये सेटिंग्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो मिलते हैं। कमेंट में जरूर बताना आपको किस हिस्से में प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।